ट्रैक्टर, ट्रैक्टर हो गया ऊपर। वाह, ये अभी काफ़ी हद तक जैसे उधर से स्टार्ट हुई थी, पहले उधर उतनी थी जब मैंने आपको दिखाई है, तो अब आती आती इधर तक ये इस रियाज जैसे, और इसके अंदर ये जा रहा है सैलिज भाई। इतने तेज़ तूफान आंधी आ गई थी, ये अभी मेरे गोप्रो से तो बन नहीं सकी वीडियो। और ये रात के इस पर ऊपर हमने तरपालें दे रहे हैं इसके ऊपर, ये देख लें सैलिज बारिश शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्ताफ़ ट्रैवल व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ अपने डेरे पे दोबारा ईद के बाद। आज ईद का चौथा दिन है, तीन दिन ईद के ख़त्म हो गए, उसके बाद का दिन है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर क्या हो रहा है। आज इधर जनाब सैलिज हम बना रहे हैं अपने जानवरों के लिए, और हमारा ट्रालियों में सैलिज आ रहा है, और एक मैं दिखाता हूँ साथ साथ में, ये देखो वो ट्राली उधर से आ रही है, उसमें सैलिज आ रहा है। ये ट्राली है, ये धक्का लगा के इसको ऊपर फेंक रही है, और वो ज़फ़र साहब हमारे बैठे हैं तो वो उसको ऊपर से लताड़ रहे हैं। तो ये देखो जनाब, इज एक्सपर्ट ड्राइवर, तो देखो कैसे अपनी महारत से इसको ऊपर कर रहा है। तो ये पूरी एक धड़ बनेगी, इसको हम ऊपर लेमिनेशन करेंगे। तो ये देखो जैसे ये कि सैलिज आ रहा है, ये अब ट्राली इधर लगाएगा, इधर फेंकेगा, ये जो किराया ये इसको उठा के ऊपर फेंकेगा, और वो ऊपर इसके ऊपर इसको दब देगा। ये देखो अभी साइड से आ रहा है 385 मैसी, क्या बात है मैसी की है, 375 और 385 मेरे फेवरेट ट्रैक्टर हैं। इवन कि मुझे रूसी नहीं पसंद, मुझे इसके बजाय ये ज़्यादा पसंद है। ये अब सैलिज की ट्राली आ गई है, तो ये ट्राली पीछे से खोलेगा, और ये इधर इसको ना जैक वाली ट्राली है, और ये इधर फेंक देगा। भाई गांव की लाइफ बहुत मज़े की होती है वैसे, ये तो बात है मानने की। और आज मौसम भी बड़ा प्यारा है, देखो बादल ऊपर हुए हुए हैं, आसमान के ऊपर कोई धूप नहीं है, और ठंडा मीठा सा मौसम है, और मज़े का मौसम है। उधर देखो हमारी जो कॉर्न की फसल है, छलियाँ जो हैं वो उधर सूखने के लिए पड़ी हुई हैं, और ये अभी खोलने लगा है जनाब। ये गई ट्राली, अब ये जो किराए से इसको ऊपर डाल देगा, अब इसका काम शुरू हो गया। तो इस तरह ये ऊपर डालेगा, और फिर वो जो है ज़फ़र साहब वो उसको ऊपर से लताड़ देंगे। ये इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा, ज़बरदस्त। ये देखें जनाब, अभी थोड़ा सा क्लोज़अप आपको दिखा रहा हूँ मैं, पावर ऑफ ट्रैक्टर। ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर है, कम से कम 10 फुट नहीं 7 फुट ऊपर जा रहा है तकरीबन, मेरी हाइट से ऊपर है तो 7 फुट ऊपर जा रहा है तकरीबन। ये देखो हम सारी मकई जो इधर हमारी है इसका सैलिज बना रहे हैं, ये प्लॉट का, वो सामने वाले प्लॉट का, वो पीछे वाले प्लॉट का, और इस प्लॉट का, सब प्लॉट का सैलिज बनेगा, जो कि मैंने आपको दिखाया है फेंक रहे हैं। देखें कितनी बड़ी बड़ी छली हैं, कुछ छोटी हैं साथ में, लेकिन कुछ बहुत बड़ी बड़ी हैं, कुछ भरी हुई हैं और कुछ थोड़ी इस इधर से खाली रह गई हैं। इस वजह से हम इसका सैलिज बना रहे हैं। इसका कद देखें तकरीबन इसकी 10 फुट हाइट है। ये देखें जनाब, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मशीन सैलिज कैसे बनाती है। हो सकता है मेरी आवाज़ ना आ रही हो, बहुत शोर है। ये देखें एक साइड पे मशीन उसको लाइक क्रैश कर रही है, और दूसरी साइड पे ट्रॉली में ये सारा सैलिज आ रहा है। ये इस रियाज जैसे, और इसके अंदर ये जा रहा है सैलिज, और पीछे परिंदे देखो यार। परिंदे पीछे फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई, ये देखो। हम भी थोड़ा पीछे चलते हैं इसके, ये देखो किस तरह बनाती है ये सैलिज।
अभी वो ज़्यादा सैलेज के लिए बेहतर है, ज़्यादा ग्रीन है ये, थोड़ी ये भी ठीक है, ये थोड़ी सी कम ग्रीन है। ये देखें परिंदों के काम देखें भाई, ये दाने एक्चुअली अंदर से गिर रहे हैं ना, जैसे ये देखो ये दाने गिरे हुए हैं, तो ये दाने उठा रहे हैं और खा रहे हैं। एक ट्रैक्टर, ये ट्राली जैसे ही फुल होगी ना तो पीछे दूसरा जो ट्रैक्टर है वो आ जाएगा और ये निकल जाएगी। ये अभी चेंज करने लगा है, ये देखना जैसे चेंज करेगा, नहीं अभी थोड़ी सी रहती है, ये फिल होने के बाद वो चेंज करेगा, वो दूसरी ट्राली आ जाएगी और ये ट्राली साइड पे चली जाएगी। अब दूसरी ट्राली चेंज करेगा, एक मिनट रुकेगा वो बंद होगी और दूसरी ट्राली में स्टार्ट। ये चीज देखें जी, काम ज़ोरों शोरों से जारी है और काफ़ी हद तक ये सैलेज आ चुका है। और देखें ट्रालर भी आ रहे हैं, एक ट्रालर ऊपर उसको चढ़ा रहा है ट्रैक्टर और दूसरा जो है वो उसके ऊपर उसको वज़न दे रहा है, उसको लताड़ रहा है। उर्दू पता नहीं लताड़ना उनकी कहते हैं लेकिन जो भी है ऊपर से दबा रहा है उसको, तो ये तीनों काम हो रहे हैं। गया ऊपर, वाह, ये अभी काफ़ी हद तक जैसे उधर से स्टार्ट हुई थी पहले उधर उतनी थी जब मैंने आपको दिखाई है, तो अब आती आती इधर तक आ गई है। अब ये सामान ऊपर लेके जा रहे हैं तो काफ़ी उधर तक चली जाएगी, अभी एक एकड़ रहता है उधर तक चली जाएगी ताड़ मारी, फिर हम इसको कवर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखें जनाब हमारी बिल्कुल फाइनलाइज अब हो रहा है, आखिरी जो ट्राला था वो उधर आ गया है, मशीन भी वापस आ गई है, वो आप देख सकते हैं उधर से मशीन भी आ रही है सामने से सैलेज काट के सारा। और ये था ट्राला आखिरी, ये रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेयरी फार्म दिखा देता हूँ, अभी हमने इसको कवर करना है, अभी इसको सारा कवर करना है हमने। और मैं दिखाता हूँ आपको हमारे जानवर, ये देखें इधर हमारे वो तीन बैल बंधे हुए हैं, मतलब ये इस साल कुर्बानी पे नहीं लगे, इंशाल्लाह अगले साल लग जाएंगे। और ये छोटे बछड़े हैं, ये और ये जो भैंस है इससे दूध निकाल रहे हैं हम, साथ में उसका बछड़ा। कितने दिन रहे? 8 दिन दो हो गया। हम दूध निकलता पी है बोली? वो दूध है क्या? अच्छा, ये पहले इसकी बोली आई, अब दूध निकलना शुरू हो गया। ये भैंस कड़ी इसकी मम्मा, ये फाइनल। अब ये बछड़े की बारी, ये मारेगी नहीं। ये देखें इनके आगे चारा आ गया, हेलो, इनके आगे चारा आ गया तो उन्हें खा रहे हैं जानवर सारे। वो फुल हो गए, अब वो जुगाली कर रहे हैं, फुल होने के बाद ये जुगाली करते हैं। ये गाय, सबको टैग लगे हुए, वो कुछ जानवर उधर बैठे हैं जो फुल हो गए हैं। इस साइड पे उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था हमारे कुछ, पहले इधर भी जानवर थे, अब इधर जानवर हमने ख़त्म कर दिए, इधर नीचे टाइल लगा दी है, मक्की वगैरह हम इधर डालते हैं सूखने के लिए ताकि नीचे गीली ना हो, मट्टी ना लगे उसको। तो ये है जनाब हमारे छोटे से डेयरी फार्म का व्यू। और इंशाल्लाह हमने ये डिसाइड किया कि अगले साल हम ना बल्कि इसी साल हम कुछ और मज़ीद जानवर लेके आएंगे फॉर कमर्शियलाइजेशन, तो उसको हम सेल शेल करेंगे, उसके लिए हम वो सैलेज बना रहे हैं। ये दूध देने वाले सारे जानवर इधर खड़े हुए,
यार बहुत तेज तूफान आ गया और आंधी आ गई है। देखें इतनी तेज हवा थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था और मट्टी थी, और देखें आपको अभी भी कुछ नहीं नजर आ रहा हो ना भाई। इतनी तेज तूफान आंधी आ गई थी, ये अभी मेरे GoPro से तो बन नहीं सकी वीडियो। और देखें मेरे कैमरे के आगे भी बहुत गड्ढा है, थोड़ा साफ करता हूँ मैं इसको, शायद अभी कुछ बेहतर नजर आ रहा है। अभी हमने ये देखें तरपाल दिए हैं इसके ऊपर, ये जो हमारे सैलेज था इसके ऊपर तरपाल दिए हैं हमने, अभी शॉपर डालना था वो नहीं डाल सके, तो सब बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ये देखें। और ये देखिए बंदा ऊपर पार्क पकड़ कर हमारे पार्क के साथ ऊपर उठ गए थे, ये आपको नज़र आ रही हो। मैं तो अभी दरख्त के पीछे खड़ा होकर ये आ रहा हूँ, फिर भी आगे सामने देखें ये कैसे, ये देखें बिजली भी गरज रही है, बहुत कंडीशन ख़राब है भाई। ये देखें जी रात के इस पर ऊपर हमने तरपालें दे रहे हैं इसके ऊपर, ये देख लें तमाशा कर रहे हैं, ऊपर तरपालें दे रहे हैं, सैलेज बारिश शुरू हो गई, बारिश हो गई है से गीला होना शुरू हो गया। अब ये दो तीन तरपालें और डालते हैं इसके, तो ये देखें जनाब क्या हाल हो गया मेरा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि अंधेरी थी, उसके बाद हमने सारा सैलेज को कवर करना था और ये हाल हो गया मेरा, आप देख सकते हैं बेहतरीन हाल है। तो आज की वीडियो करते हैं इधर ही एंड, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शूज़ एंड पे मेरे देखें, ये वाले। और ये मेरी हालत है टोटल, बाय बाय।